देखिए थॉट तो भाई ऐसा है, बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी कालिंदी चरण ग्रह की, उसको पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया, इसको नाटक लिखा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और इसका रिस्पांस से देखिए कि हमारे सुनीदत्त भैया हमारे बड़े भाई हैं और ये नाटक को देखने के बाद अभी आपको कुछ बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी मीडिया को और अपने दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैंने 18 साल आर्मी में नौकरी किया, तो क्योंकि आर्मी में था तो मैं मांस खाता था और मैंने आर्मी में 18 साल प्ले किया हुआ है, लेकिन वहाँ सारा प्ले जो है कॉमेडी होता था। लेकिन आज मैंने जो ये प्ले देखा है, ये देखने के बाद से जो मांस का रुदन, तो ये हमारे जो मनोज भाई हैं जो इन्होंने किया, देखने के बाद से मेरे दिल को ये छू गया एकदम। और आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं मांस खाना छोड़ रहा हूँ और सिर्फ ये अपने भाई का जो प्ले देखा है, देखने के बाद से मैंने आज प्रतिज्ञा किया कि मैं मांस नहीं खाऊंगा। और ये प्ले जब भी जहाँ भी हो, मैं दर्शकों से निवेदन करूँगा कि आप लोग जहाँ भी लगे आप लोग आएँ और इसको जरूर देखें, बहुत ही अच्छा प्ले है, बहुत बढ़िया। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। हमारा प्ले आप लोग देखें, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी नाटक रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं। मुश्किल सलाड़ना मनोज टाइगर का दूसरा नाम है। मनोज जी अक्सर रौनक करते आए हैं, लेकिन मैंने इनका प्ले ये बहुत बार देखा है, इस बार बहुत अलग था। इस बार मैं कहूँगा बहुत कुछ नया इन्होंने इसमें ऐड ऑन किया और वो बहुत डिफरेंट था। मैं इसके लिए हमारे जो इस पर्टिकुलर शो के डायरेक्टर हैं जिन्होंने डायरेक्ट किया इस कंसेप्ट को, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इसको बहुत अलग रूप दे दिया है, अभी बहुत अच्छा दे दिया है। जो था पहले था वो भी अच्छा था, लेकिन अब जो रूप है वो बहुत अच्छा है। तो आप इसमें परफॉर्म करना चाहेंगे? मैं तो थिएटर एक्टर ही हूँ, इंडस्ट्री को पता नहीं है, लेकिन मैं दिल्ली अस्मिता से, जिससे मनोज वाजपेयी, दीपक डोबरियाल, कंगना रनावत ये सब लोग हैं, उसी ग्रुप से मैं भी हूँ। वो मैं अस्मिता में 4 साल बिता के आया हूँ बॉम्बे, और उससे पहले भी मैं बचपन से बहुत स्टेज किया है। मनोज जी के साथ तो मैं हमेशा से हूँ, मतलब काम नहीं कर पाया अभी तक, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे, अगर वो कोई रोल देंगे तो ज़रूर करेंगे। और थिएटर में क्या होता है कि हम लोग कम से कम 15 दिन तक रिहर्सल्स करते रहते हैं, तो ये लोग रिहर्सल करते हैं, उसके बाद फिर इनके शूट आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। अभी करेंगे आप? नहीं, हम लोग दोनों वैसे भी साथ में काम करने वाले, कोई प्ले लिखवाएंगे अब किसी से, ये और मैं साथ में काम करें। बहुत अच्छा था, है ना? आज कुछ अलग था, बहुत अच्छा पार्ट जी ने बहुत अच्छी कुछ अलग काफी उसको चेंज किया हुआ है, तो बहुत अच्छा था। मनोज जी तो खैर करते ही अच्छा है, लेकिन आज का और भी ज्यादा अच्छा हो रहा है कि उनका सब कुछ अच्छा है। लेकिन इस बार मैं ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, इसलिए कहूँगा कि जो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें थी वो बहुत अलग थी और अच्छा। ज़्यादातर भोजपुरी सिनेमा में जो काम कर रहे हैं लोग ठीक ठाक थिएटर से ही बिलोंग करते हैं। हाँ, जो अच्छा काम आप, जैसे अवधेश मिश्रा है, संजय पांडे जी ने मेरे साथ थिएटर किया है बहुत साल पहले, जब मैं मालिनी सीरियल करती थी, और उन्होंने थिएटर किया है। इतने अच्छे एक्टर हैं जो कि मतलब प्रोड्यूसर नहीं है फिल्मों के और विलेन बने या एक्टर बने हैं। सभी भोजपुरी जो लोग हैं हमारे, आप सब लोग हमेशा टाइम निकाला करिए, मनोज जी इतने प्ले करते हैं। और भोजपुरी और हिंदी कुछ नहीं होता, हम लोग एक कलाकार हैं, और चाहे वो रंगकर्म हो या फिल्म हो या टीवी हो, हम लोग अपनी कला दिखाना चाहते हैं। हम यही गुजारिश करेंगे पब्लिक से कि हमें मौका दें, हमें चांस दें। मैं अपने भोजपुरी परिवार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी मनोज जी एक्चुअली अपने लोगों के लिए ही प्ले करते हैं, नाटक करते हैं, उनका कोशिश रहता है कि सब अपने भोजपुरी लोग आएँ और प्ले देखें। आप सब लोग वक्त निकाल करके आया करें और नाटक देखें, हम लोग अप्रिशिएट करें। अभी हम लोग कुछ भोजपुरी भी प्लान करते हैं, कुछ म्यूजिकल प्ले प्लान, तो बहुत मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच। Planet Bhojpuri.